यह दुनिया आपकी सबसे अच्छी शिक्षक है। हर कदम पर कुछ ना कुछ सिखाती है। प्रत्येक अनुभव में कुछ सीखने लायक है। इससे सीखें और समझदार बने। हर सफलता सफलता की सीढ़ी है। हर कठिनाई या निराशा आपके विश्वास की परीक्षा है। हर अप्रिय घटना या प्रलोभन आपकी आंतरिक शक्तियों का परीक्षण है। एक पर्वत धरती के छोटे कणों से मिलकर बना है। महासागर पानी की छोटी बूंदों से बना है। और अपना जीवन भी छोटे विवरणों, कार्यों, बोली और विचारों की एक अंतहीन श्रृंखला से बना है। और परिणाम चाहे वे अच्छे हों या बुरे, इन छोटी से छोटी चीजों के भी दुर्गामी होते हैं। आपको अभी मिलने वाली असफलताओं में भी कुछ अच्छा है। यह आप अभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन समय के साथ पता चल जाएगा। धैर्य रखें। किसी ने आपको चोट पहुंचाई है तो उसे बच्चे की तरह भूल जाएं। इसे अपने दिल में ना रखें, यह केवल नफरत पैदा करता है। संघर्ष हो तभी जिंदगी का मजा है। जीत या हार तो ऊपर वाले के हाथ में है, इसलिए अपने संघर्ष का मजा लीजिए। अपने छोटे छोटे कामों में भी दिल, दिमाग और आत्मा सब कुछ लगा लो, यही सफलता का राज है। अपनी पिछली गलतियों और असफलताओं पर बिल्कुल भी ना उलझिए, क्योंकि यह केवल आपके मन को दुख, खेद और अवसाद से भर देगी। बस भविष्य में उन्हें दोहराए नहीं। जिंदगी छोटी है, समय क्षण भंगुर है, स्वयं को जाने। हृदय की पवित्रता ईश्वर का प्रवेश द्वार है। महत्वाकांक्षा त्याग और ध्यान। और अच्छा बनो, अच्छा करो, दयालु रहो, उदार बनो। अपने आप से पूछो कि आप कौन हो। नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान शाश्वत आनंद की ओर ले जाता है, इसलिए ध्यान करो, ध्यान करो। वर्तमान छात्रों की शिक्षा ज्यादातर किताबी है। छात्रों को उद्देश्य उपयोगी व्यवहारिक ज्ञान की वास्तविक शिक्षा से अधिक डिग्री प्राप्त करना है। छात्र बिना किसी निश्चित योजना या उद्देश्य के अपने कॉलेज के करियर से गुजरते हैं। यदि मन को नियंत्रित किया जाता है तो यह चमत्कार कर सकता है। यदि इसे वश में नहीं किया जाता है तो यह अंतहीन दर्द और पीड़ा पैदा करता है। आज आप जो कुछ भी हैं वह सब आपकी सोच का परिणाम है। आप आपके विचारों से बने हैं। वास्तविक शिक्षा का उद्देश्य मन को नियंत्रित करना, अहंकार का नाश करना, दिव्य गुणों को विकसित करना और ब्रह्म ज्ञान अर्थात स्वयं को प्राप्त करना है। हे अमृत के पुत्र, हे अमृत के बालक, शक्ति का गीत गाओ, विजय का गीत गाओ, निडर होकर आगे बढ़ो और चमकीले लक्ष्य तक पहुँचो। आइए आइए योग का अभ्यास करें, गंभीरता से ध्यान करें। आप अंधकार और अज्ञान के इस महासागर को पार कीजिए और प्रकाश और जीवन को चिरस्थायी बनाइए। ध्यान केंद्रित करने की मानसिक क्षमता सभी के अंदर है। यह असाधारण या रहस्यमय नहीं है। ध्यान कुछ ऐसा नहीं है जो कोई योगी आपको सिखाए। आपके पास पहले से ही विचारों को बंद करने की क्षमता है। यह संसार तुम्हारा शरीर है। यह संसार एक महान विद्यालय है। यह संसार आपका मूल शिक्षक है। विश्वास प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करता है। प्रार्थना व्यक्ति के हृदय को शुद्ध करती है। शुद्ध हृदय में भगवान का प्रकाश प्रकाशित होता है। जब प्रकाश नश्वर को अमर बना देता है। हर बात में कुछ ना कुछ सच्चाई होती है। दृष्टिकोण और मत अलग अलग पहलू हैं। दूसरों से झगड़ा ना करें। प्रत्येक मनुष्य अपने स्वास्थ्य या बीमारी का कारक खुद है। प्रेम को कोई तोहफे की उम्मीद नहीं होती। प्रेम को कोई डर नहीं होता। प्रेम केवल देता है, मांग नहीं करता। प्रेम के लिए कोई बुराई नहीं, कोई मकसद नहीं। प्यार करना, बांटना और सेवा करना है। नश्वर चीजों में कोई स्थायी सुख नहीं है, अनंत में ही सच्चा आनंद है। भक्ति योग उस अनंत को प्राप्त करने का मार्ग बताता है। यह दिल को साफ करता है, मन को स्थिर करता है, भावनाओं को बढ़ाता है, आवेगों को कम करता है। यह भौतिक इच्छाओं को आध्यात्मिक इच्छाओं में परिवर्तित करता है। यह मनुष्य में पशु को एक परमात्मा में बदल देता है। यह दुनिया के दुखों से लेकर प्रभु की रक्षा करने वाले चरणों तक का ध्यान रखता है। कुछ हृदय पूर्ण, ईमानदार और ऊर्जावान पुरुष और महिलाएं एक वर्ष में उतना कर लेते हैं जितना एक भेड़ पूरी सदी में नहीं कर सकती। मजबूत बनो। भूत और शैतान की बात मत करो। हम जीवित शैतान हैं। जीवन का संकेत शक्ति और विकास है। मृत्यु का संकेत कमजोरी है। जो कमजोर है उससे बचो, यह मृत्यु है। धन्यवाद।